दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो फिजिकल है उसमें हमें 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। दोस्तों आपको कम समय में 5 किलोमीटर का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, अगर आपका टाइमिंग 27 है या तो 28 है या 26 है, दोस्तों हमें 20 मिनट तक हमें कम टाइमिंग कैसे लाना चाहिए। दोस्तों आपको मैं अच्छे से वर्कआउट बताऊंगा तभी आपका अच्छे से परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपके लिए एक अच्छे से वीकली शेड्यूल लेकर आया हूँ, अगर आप उस वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों 100% आपका टाइमिंग कम होगा। और दोस्तों अभी अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं जिसमें 18 मई से आपका फिजिकल शुरू है। दोस्तों उस फिजिकल के लिए आपको अच्छे से टाइमिंग कैसे लाना चाहिए, अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है दोस्तों उसको कम कैसे लाना चाहिए। दोस्तों अभी मैंने जो 5 किलोमीटर का वीकली शेड्यूल बनाया है उस वर्कआउट को आपको अच्छे से फॉलो करना है। दोस्तों आप उस वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करो, आपका टाइमिंग 100% जरूर आपका दोस्तों कम हो जाएगा। तो चलो वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। रनिंग से पहले हमें ग्राउंड पर आ जाने के बाद हमें लाइटली कुछ स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और दोस्तों स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो मसल है वो टाइट नहीं होती। रनिंग करने के बाद आपकी जो मसल है जो टाइट होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपका जो पेन है कहीं पर भी आपका मसल खींचा हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए 5 किलोमीटर का एक वीकली शेड्यूल लेकर आया हूँ जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो दोस्तों आपका टाइमिंग 4 या 5 मिनट तक कम हो सकता है। सिर्फ आपको इस वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करना है। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो मंडे में हमें क्या करना है, और मैंने एक टाइम का वर्कआउट बनाया है, चाहे आप मॉर्निंग में करो चाहे आप इवनिंग में करो। और दोस्तों अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो या तो आप 1 वीक या 2 वीक आपको प्रैक्टिस करते हुए है तो दोस्तों आप इस वर्कआउट को अच्छे से फॉलो करो। और अगर आप बिगिनर हो, आप नए हो, तो दोस्तों आप धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा हार्ड रनिंग करना नहीं, आपको स्लो रनिंग करना है। तो मंडे को हमें 6 किलोमीटर रनिंग करना है। दोस्तों उसका स्पेस हमें ज़्यादा नहीं लगाना, आपको दोस्तों सिर्फ कंप्लीट करना है, ज़्यादा फास्ट आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ दोस्तों 6 किलोमीटर पूरा करना है, मतलब आपका जो 400 मीटर का ट्रैक है उसके आपको 15 राउंड लगाने हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। मंडे को दोस्तों हमें सिर्फ इतना ही करना है, फिर चलते हैं नेक्स्ट डे। ट्यूजडे में हमें दोस्तों ABC एक्सरसाइज करना है क्योंकि दोस्तों हमें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। अगर हमारे लेग में स्ट्रेंथ अगर होगी तभी आप अच्छे से रनिंग कर पाओगे, इसलिए मैं हमें ABC एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ABC एक्सरसाइज के दोस्तों हमें 8 एक्सरसाइज करने हैं और 8 एक्सरसाइज के हमें 2 सेट लगाने हैं। और दोस्तों हम 20 या 25 मिनट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। चूजड़े में हमें दोस्तों सिर्फ इतना ही करना है, ABC एक्सरसाइज करना है। वेंसडे में हम दोस्तों थोड़ा स्पीड वर्कआउट करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों थोड़ी रैपिडेशन लगाने हैं, हमें थोड़ी रैपिडेशन लगाने हैं क्योंकि दोस्तों हमें थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना चाहिए, 5 किलोमीटर दोस्तों उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो वेंसडे में हमें 2 किलोमीटर की 3 रैपिडेशन लगाने हैं, नहीं तो आप दोस्तों 2 रैपिडेशन भी लगा सकते हैं। और उसका स्पेस होना चाहिए दोस्तों 3:40 से लेकर 3:45 मिनट तक, 3:40 या 3:45 मिनट में दोस्तों आपको 1 किलोमीटर पूरा करना है, इससे आपको 2 किलोमीटर पूरा करना है। और रैपिडेशन के बीच दोस्तों आप 3 से लेकर 4 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं। थर्सडे में दोस्तों हम कुछ वर्कआउट करेंगे। थर्सडे में हमें स्पेस रनिंग करना है क्योंकि स्पेस रनिंग करने से आपकी कभी बॉडी भी नहीं थकेंगी और आपका स्पीड भी अच्छा बना रहेगा। तो स्पेस रनिंग कैसे करना है देखो दोस्तों, आपका जो यहाँ पर स्पेस है वो दोस्तों 5 मिनट में आपका 1 किलोमीटर पूरा होना चाहिए, इस तरह से आपको स्पेस लगाना चाहिए, ऐसे आपको 4 किलोमीटर लगाना है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो तो दोस्तों जल्दी आपका टाइमिंग कम होगा। और स्पेस रनिंग होने के बाद दोस्तों हमें कुछ कोर वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कोर वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका दोस्तों कभी भी आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी और दोस्तों आप अच्छे से रनिंग कर पाओगे। और दोस्तों कोर वर्कआउट आपको अच्छे से करना है। कोर वर्कआउट के दोस्तों आपको 5 या 6 एक्सरसाइज करने हैं और हर एक एक्सरसाइज के आपको 2 सेट लगाने हैं। और एक्सरसाइज दोस्तों आपको 30 या 40 सेकंड तक आप एक कर सकते हो,
और अगर आपको कोर वर्कआउट की जानकारी अच्छी तरह से चाहिए थी दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप कोर वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको थर्सडे में वर्कआउट करना है। फिर चलते हैं हम फ्राइडे में। फ्राइडे में हमें दोस्तों स्लो फास्ट रनिंग करना है, क्योंकि स्लो फास्ट रनिंग करने से आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी भी बिल्कुल नहीं थकेंगी और आपका स्टैमिना भी बहुत बढ़ेगा। तो स्लो फास्ट रनिंग कैसे करना है देखो। तो स्लो फास्ट में दोस्तों आपको 100 मीटर, आपका जो 400 मीटर का कर्व होता है वो दोस्तों 100 मीटर आपको फास्ट लगाना है, वो भी 80% एफर्ट से फास्ट लगाना है। और उसके बाद 100 मीटर आपको क्या करना है, स्लो जॉगिंग करना है, 100 मीटर फास्ट और 100 मीटर स्लो, इस तरह से वर्कआउट करना है दोस्तों। और दोस्तों आपको 10 या 15 मिनट स्लो फास्ट करना है फ्राइडे में दोस्तों, आपको सिर्फ यही करना है बस। फिर चलते हैं हम सैटरडे में। सैटरडे में दोस्तों हमें लॉन्ग रनिंग करना है, हमें दोस्तों इंटरेस्ट बढ़ाना है। सैटरडे में हम 10 किलोमीटर रनिंग करेंगे, हमें 10 किलोमीटर रनिंग करना है। और दोस्तों आपको बिल्कुल फास्ट रनिंग नहीं करना, बिल्कुल हमें स्लो जॉगिंग करना है, क्योंकि दोस्तों हमें इंडोर्स बढ़ाना है। अगर आप दोस्तों इस तरह से जॉगिंग करते हो तो दोस्तों आपका इंडोर्स बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और आप 5 किलोमीटर भी अच्छे से रनिंग कर पाओगे। और आपका दोस्तों गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको, अगर आपको इस वर्कआउट को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका टाइमिंग 100% कम हो जाएगा और दोस्तों आप 20 मिनट से भी अंदर आ सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ इस वर्कआउट को 2 वीक तक आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपका टाइमिंग 100% कम हो जाएगा।